नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्मार्ट फार्मिंग चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में आने वाले जलेबी रोग और झुलसा रोग के बारे में। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि पौधे की पत्तियां मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं और इस रोग को जलेबी रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में पहले खेत के कुछ हिस्सों में इसका असर दिखता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस प्रकार के रोग को कंट्रोल करने के लिए हम सिजेंटा कंपनी के अलीका का प्रयोग करेंगे, जिसमें थाइमेथाम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन 9.5% जेडसी फार्म में होता है, जो रस चूसक कीट माहू, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसिड कंट्रोल करता है। और बात करें इसके डोज की, तो इसका प्रयोग 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में टंकी में प्रयोग करना है। और इसके साथ झुलसा और पीलापन के लिए कोनिका का प्रयोग करेंगे, जो धानुका कंपनी का आता है, जिसमें कासुगामाइसिन 5% प्लस कापर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP फार्म में होता है, जो बैक्टीरिया और फंगस को ख़त्म करता है, जैसे ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, एंथ्राक्नोज, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है। दोस्तों बात करें इसकी डोज की, तो 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में प्रयोग करना है। और इसके साथ अलीका और कोनिका का एक साथ प्रयोग करने से इसके शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और किसान भाइयों, जब भी इन दोनों दवाओं का प्रयोग करें तो इसके साथ किसी अच्छे सिलिकॉन बेस चिपको या स्टिकर का प्रयोग करें, जिससे यह पत्तियों पर दवा पूरी तरह से फैल जाती है और अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि जिस पत्ती पर चिपको का प्रयोग नहीं करते हैं उस पर दवा अच्छी प्रकार से नहीं फैलती है, और जिस पत्ती पर चिपको या स्टिकर का प्रयोग किया जाता है तो उस पर दवा अच्छी तरह से फैल जाती है और फैलने से वो अच्छी तरह से अपने अंदर सोख पाती है, जिससे इसका कार्य बढ़ जाता है और इसके बेहतर रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कभी भी जब दवा का प्रयोग करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, उसमें चिपको या स्टिकर का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।